हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने वो आई वॉन्ट कहानी सुनी थी ना, मज़ा आया था ना आप सबको। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दी एक्सरसाइज आई वॉन्ट्स चैप्टर की। हम जो ये एक्सरसाइज है वो आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन वन, पुट अ करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है तो उसके आगे हमें ट्रू या फॉल्स के निशान बनाने हैं, चिन्ह बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द लिटल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। लिटल मंकी बड़ा और ताकतवर बनना चाहता था, राइट है या रॉन्ग? राइट, राइट है, वेरी गुड। अ वाइज वुमन डज नॉट हियर हिम। अ वाइज वुमन डज नॉट हियर हिम। वाइज वुमन उसे सुन रही थी या नहीं सुन रही थी? सुन रही थी ना, हाँ। तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ डज नॉट लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे पढ़ते हैं हम। शी गिव्स हिम अ वैंड। अब वो वाइज वुमन थी, उसने उस बंदर को क्या दिया था, याद है आपको? क्या दिया था? वैंड दी थी ना, मैजिक की छड़ी, जादू की छड़ी। हाँ, तो शी गिव्स हिम अ वैंड, तो क्या आएगा यहाँ पर? करेक्ट। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। जिराफ की बहुत बड़ी गर्दन होती है, होती है, हाँ होती है, तो यहाँ पर आएगा करेक्ट। द एलिफेंट हैज नो ट्रंक। एलिफेंट की सूंड होती है या नहीं होती है? होती है ना, हाँ। तो यहाँ पर रॉन्ग आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है हैज नो ट्रंक, उसकी सूंड नहीं होती, तो क्या होगा? रॉन्ग, क्योंकि उसकी सूंड होती है। द ज़ेब्रा हैज स्ट्रिप्स। ज़ेब्रा की जो पट्टियाँ होती है ना, हाँ, तो वो यहाँ पर आएगा करेक्ट। द लिटल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर। लिटल मंकी ने एक मॉन्स्टर को देखा था रिवर में। था कोई मॉन्स्टर वहाँ? नहीं था ना, कौन था? वो खुद ही था। तो यहाँ पर गलत आएगा क्योंकि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर प्रश्न के आंसर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देंगे। फर्स्ट वन इज देयर एनीवन इन योर क्लास होम यू लाइक। आपके क्लास में कोई ऐसा है जिसे आप बहुत पसंद करते हो? पसंद करते हो किसी को क्लास में? तो यहाँ पर लिखना है यस आई लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। आप सबको अपने फ्रेंड्स पसंद आते हैं ना, तो लिखो यस आई लाइक माय बेस्ट फ्रेंड इन माय क्लास। मेरे क्लास में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर या हिम। अगर वो गर्ल है तो हर, बॉय है तो हिम। तो आपको अपना दोस्त पसंद है, क्यों पसंद है, वाई? तो आंसर होगा यस आई लाइक टू बी लाइक हिम बिकॉज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मुझे उसकी जैसा बनना पसंद है क्योंकि वो बहुत ही होशियार है, इंटेलिजेंट है। डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स। आपको पता है ऐसा कौन सा फूड है जो सारे एनिमल्स खाते होंगे? तो यहाँ पर आंसर आएगा द फूड दैट ईच एनिमल्स ईट इज ट्री लीव्स। यानी कि वो झाड़ की पत्तियाँ होती है ना, वो ज़्यादातर सारे एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, व्हाट डज लिटल मंकी वांट टू डू, वांट टू बी। लिटल मंकी क्या चाहता था? तो आंसर, लिटल मंकी वांट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। लिटल मंकी क्या करना चाहता था? बिग और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। Who hears him? किसने उसकी बातें सुनी थी? तो a wise woman hears him. A wise woman थी जो उसने उसकी सारी बातें सुनी थी। How does an elephant have a
बाथ, एलिफेंट कैसे नहाता है, बाथ कैसे लेता है, पता है आप सबको? नहीं पता? पता है, यहाँ पर देखो लिखा है आंसर, एन एलिफेंट ब्लो वाटर ओवर हिमसेल्फ यूजिंग हिज ट्रंक. An elephant blow water over himself using his trunk. यानी कि वो अपनी सूंड में पानी भर के फिर अपने ऊपर डालता है. Does the zebra have spots or stripes? Zebra को क्या होते हैं, spots होते हैं या फिर strips होती है उसकी? तो strips होती है ना, तो लिखेंगे द ज़ेब्रा हैव स्ट्रिप्स. स्पॉट्स तो किसके होते हैं, कभी कभार डॉग्स के स्पॉट्स होते हैं, है ना. वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं हम. 8. व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन. अब लिटिल मंकी फिर से दोबारा अपने आप जैसा पहले जैसा था वैसे क्यों बनना चाहता है? तो आंसर है द लिटल मंकी वॉन्ट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन बिकॉज द लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर. उसने अपने प्रतिबिंब को रिवर में देखा था ना, तो कैसे लग रहा था वो, अजीब सा लग रहा था ना, मॉन्स्टर जैसा. तो इसीलिए वो अपने आप में जैसे पहले था ना वैसे बनना चाहता है. तो आंसर होगा द लिटल मंकी वॉन्ट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन बिकॉज ही लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड अ मैजिक वैंड. आप क्या करना चाहोगे अगर आपके पास भी मंकी जैसी जादू की छड़ी हो, तो क्या करना चाहोगे? तो यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं. देखो जैसे आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ फुटबॉल. उस मैजिक वैंड को मैं राउंड एंड राउंड घुमाकर अपनी बुक को क्या बना दूंगा, फुटबॉल, है ना. राउंड राउंड क्या होता है, फुटबॉल होता है ना. तो यहाँ पर आंसर आएगा फुटबॉल. सेकंड इज आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ कैट. अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मेरे पास एक पैट डॉग है, उसको मैं कैट बना देता. आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू अ चॉकलेट. चॉकलेट सबको पसंद होती है ना. तो क्या करेंगे यहाँ हम, क्या करेंगे, आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू अ चॉकलेट. मैं अपनी पेंसिल को चॉकलेट में कन्वर्ट कर दूंगा जादू की छड़ी से. आई वुड टर्न अ यू इनटू अ कार्टून. आई वुड टर्न यू इनटू अ कार्टून, यानी कि मैं खुद तुमको क्या करवा दूंगा, कार्टून बना दूंगा, कार्टून में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वर्ड मंकी 5 times इन द बॉक्स. देखो यहाँ पर ये बॉक्सेस दिए हैं, ये बॉक्सेस आपको घर पर ऐसे बनाने हैं, उसमें सारे वर्ड्स लिखे हैं, उसमें हमें क्या ढूंढना है, मंकी. जहाँ पर मंकी लिखा हो वहाँ पर हमें ऐसे ढूंढ के निशान बनाने हैं, है ना, एरो बनाने हैं. देखो यहाँ पर लिखा है ना MONKEY, मंकी, MONKEY, मंकी, MONKEY, मंकी. ऐसे आपको कितने ढूंढने हैं, 5. देखो मैंने 5 ढूंढे हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5. राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाई